सो गाइज, अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर आई बटन में आ रहा होगा, जल्दी जाकर चेकआउट कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बताएं कि आप लोगों को वो वीडियो कैसा लगा, ताकि हम लोग जो है उन सारी चीज़ों पर जो है चेंजेस ला सके। अब मैं खाली उसी वीडियो की बात नहीं कर रहा, आप चाहे कोई सा भी वीडियो देखो, चाहे यही क्यों ना हो, तो आप एंडिंग में जो है कॉमेंट करना मत भूलिए, ताकि गाइज हम लोगों को थोड़ा गाइडेंस मिले और हम जो है उन सारी चीज़ों पर जो है बदलाव ला सके। सो अभी क्या छोड़िए वो सारी बातें, अब हम फोकस करते हैं इस वीडियो के अंदर लाए हुए टूल पर। सो वो क्या है, जो कि एक बार मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। सो तब तक आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को कर दो लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, सो लेट्स बिगिन। हे गाइस, हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयूर एंड यू वाचिंग टच पावर ब्लॉग्स। वी आर बैक विद द अनदर वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा टूल लेकर आया हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल तो है ही, बट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी है आप लोगों के लिए। सो वो क्या है, तो मैं आप लोगों को जो है मेरे पास मौजूद टूल्स के वॉक अराउंड दे देता हूँ एक बार। सो यहाँ पर आप मेरे एक हाथ में देख सकते हो, यहाँ पर रॉक के जो है 3 इंच के डायमंड कप बिल है, और जस्ट मेरे दूसरे हाथ में जो है आप देख सकते हो ये वायर का ब्रश है जो कि 3 इंच का है। सो अभी हम इस वीडियो में करने क्या वाले हैं, इस वायर का ब्रश को जो है हम कंपेयर करने वाले हैं इस डायमंड कप बिल के साथ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इनकी सारी जानकारी दूंगा, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, इनफैक्ट मैं आपको इनकी प्राइसिंग भी बताऊंगा। सो आप वीडियो पे करना क्या है, पूरा एंड तक वीडियो को जो है देखना है, वरना आप कुछ ना कुछ पार्ट मिस कर सकते हो, स्पेशली प्राइस। सो बने रहिए वीडियो पर एंड तक। सो गाइज, मैं सबसे पहले जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो लेता हूँ इस वायर का ब्रश को जो कि 3 इंच का है। सो इसको एक बार मैं ओपन कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप इस कप को देखिए गाइज, कितना ज़्यादा जो है डेंजरस दिखता है ये। यहाँ पर आप इसके ये जो ट्विस्टेड वायर है आप ये देख सकते हो कितने ज़्यादा डेंजर है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो एडवांटेजेस के मामले में सिर्फ ये कप जो है काम करता है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। बाकी तो इसके अंदर पूरा डिसएडवांटेजेस भरा हुआ है। अब आप सोच रहे होगे कि कैसे, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो है इस कप का, काफ़ी डिसबैलेंस आते हैं, एकदम एक्यूरेट बैलेंस नहीं आते। जब ये एंगल ग्राइंडर में लगते हैं तो आपका एंगल ग्राइंडर जो है काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन करने लगता है। जिस वजह से जो है आपको भी हार्म पहुंच सकती है, और जो आपके एंगल ग्राइंडर है उसके काफ़ी ज़्यादा बैरिंग्स भी जा सकते हैं। काफ़ी एक्सीडेंटल चीज़ें भी होती है इस कप्स की वजह से, जो कि मैं सोचता हूँ कि इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। अब जो है ज़माना चेंज हो गया, पहले जो है लोग इसका यूज़ करते थे, बट अब जो है इन डायमंड कप बिल का यूज़ करना चाहिए आप लोगों को। और इनकी प्राइस की बात करूँ तो मात्र 180 रुपये के जो है ये आपको कप देखने मिल जाते हैं, बट इससे आपके जो है काफ़ी बड़े बड़े जो है नुकसान हो सकते हैं। सो इसलिए मैं नहीं प्रेफर करता हूँ कि आप इसको यूज़ करो। सो मत करो यार यूज़ इसको, काफ़ी ज़्यादा रिस्की है और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी। सो गाइज, आप देख सकते हो मेरे हाथ में जो है रॉक के ये अलग अलग डिज़ाइन वाले जो है डायमंड कप बिल। यहाँ पर एक साइड में जो आप देख सकते हो ये टर्बो वाले डायमंड कप बिल, और दूसरे साइड में आप देख सकते हो ये सिगमेंट वेरियंट डायमंड कप बिल का। सो अभी मैं आपको डिज़ाइन के बारे में तो बताऊँगा कि ये दोनों डिज़ाइन अलग अलग क्यों है, बट सबसे पहले हम जो है इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये किस तरह से जो है इसकी डिज़ाइन आपको देखने मिल जाते हैं। इसके एडवांटेजेस की बात करूँ तो इसके अंदर एडवांटेजेस ही भरे हुए हैं, और डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो बस खाली इतना ही है कि ये जो है थोड़ा सा तार ब्रश से जो है लिटिल बिट जो है कम चलता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी काम इसके आप देखोगे तो मल्टी वर्क आपको इस कप के देखने मिल जाते हैं, वो धीरे धीरे करके मैं बताऊँगा। तो अभी हम पहले बात कर लेते हैं इस कप के सबसे बड़े प्लस पॉइंट की। तो गाइज, ये कप जो है एकदम एक्यूरेट बैलेंस्ड आते हैं। जब आप इसको एंगल ग्राइंडर में लगाते हो, एंगल ग्राइंडर जो है आपका वाइब्रेट करने वाला जो है इशू रहेगा ही नहीं, वाइब्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा एंगल ग्राइंडर से, और जो है आप इससे इजीली जो है काम कर सकते हो। सो ये सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि इसके आपको मल्टी वर्क्स देखने मिल जाते हैं, जो काम जो है वो वाले वायर ब्रश करते थे, जैसे कि पेंट रिमूवर अगर आपको करना है, या डस्टिंग करना है, या पीओपी में अगर आप यूज़ करते हो, सो वो तो करते ही है, नॉर्मल चीज़ें, बट ये आपको थोड़े से जो है और एक्स्ट्रा वर्क आपको इसके देखने मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप इसको कॉन्क्रीट में यूज़ करना चाहते हो, कॉन्क्रीट को लेवल करना चाहते हो, कभी ऊपर नीचे होता है, सो वो आप इससे कर सकते हो, या इसको अगर आपको मार्बल में यूज़ करना है तो मार्बल में यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत जगह आप जो है इसका यूज़ कर सकते हो जिधर आपको लगे।
सो यार इसके इतने मल्टीवर्क्स और कहाँ हम वो डेंजरस चीज़ यूज़ करते थे। सो गाइज अभी ये यूज़ करो, ये काफ़ी ज़्यादा जो है डिमांड में है। सो गाइज दोनों कप की प्राइस जो है सेम है, ये भी 250 रुपये का और ये भी 250 रुपये का है। 250 रुपीज़ का जो है आपको कप देखने मिल जाता है। और अगर आपको इस कप को बाय करना है तो यहाँ पर मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और यहाँ पर स्क्रीन पर भी जो है नंबर मेंशन हो रहा होगा। सो ये व्हाट्सअप नंबर है, तो आप DM भी कर सकते हो। सो गाइज अब हम बात करते हैं इस सेगमेंट वाले वेरिएंट की कि इसकी डिज़ाइन ऐसे क्यों है, इस डिज़ाइन का रीज़न क्या है। सो इसको भी जो है मैं एक बार पैकेजिंग से बाहर निकाल देता हूँ, फिर हम बात करते हैं शांति से। सो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये कप भी जो है सेम एज इट इज़ जो टर्बो काम करता है, बस वही इसका भी काम है। बट इसके जो डिज़ाइन का रीज़न ये है कि ये जो है स्पेशली अगर आप कोई हार्ड कंक्रीट में यूज़ अगर करते हो, सो आपको ये वाले डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ेगी, इस सेगमेंट वाले वेरियंट की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी तो दोनों ही चलता है, काम तो दोनों ही करते हैं। सो बस यही है, इसका भी जो है आपको 250 रुपये देखने मिल जाता है। अभी मेरे ख्याल से आप इसको यूज़ करना बंद कर दोगे और इसको यूज़ करोगे। ये काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है और ये काफ़ी ज़्यादा अनसेफ है। सो प्लीज़ गाइज डोंट बाय दिस, बाय दिस वन। तो अगर आप एक्साइटेड हो तो जाइए फटाफट से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने मेंशन की हुई है, सो आप बाय कर सकते हो वहाँ से भी। और तो और स्क्रीन पर भी जो है नंबर मेंशन किया होगा, सो आप वो भी DM करके जो उसके बारे में पूछ सकते हो। और क्यों ना आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी जो है मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पर भी काफ़ी कुछ जो है कॉन्टेंट शेयर करता हूँ। सो जाइए फटाफट से, इंस्टाग्राम पर भी ID मैंने मेंशन की है, सो जाइए फॉलो कीजिए मुझे। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अभी आपको पता है कि करना क्या है, जितना हो सके इस वीडियो को जो है शेयर करो लोगों में, ताकि हर कोई जो है इन सारी चीज़ों के बारे में जान सके। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंदा इन सारी चीज़ों से वाकिफ ना हो, सो शेयर करो इस वीडियो को। और तो और मेरे ख्याल से आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, तो वीडियो को दो लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को दो सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।